महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या पर पूछे सवाल पर बोले श्री श्री रविशंकर, कहा सिर्फ गरीबी नहीं आध्यात्म की वजह की कमी की वजह से भी आत्महत्या है। फिल्मकार मधुर भंडारकर की हत्या की साजिश रचने पर मॉडल प्रीति जैन दोषी करार, मुंबई सेशन कोर्ट ने सुनाया फैसला। प्रीति जैन को कोर्ट ने सुनाया 3 साल कैद की सजा। 2005 में मधुर भंडारकर की हत्या करने के लिए गैंगस्टर को पैसे देने के मामले में दोषी करार। मॉडल प्रीति जैन के 2 साथियों को भी 3-3 साल की सजा। प्रीति ने मधुर भंडारकर पर लगाया था रेप का आरोप। दुनिया की सबसे भारी महिला ईमान के इलाज को लेकर अस्पताल और रिश्तेदारों में तनाव बरकरार, अस्पताल ने इलाज में दखल देने की वजह से बुलाई पुलिस। ईमान अहमद की बहन ने अस्पताल पर इलाज में कोताही बरतने का आरोप लगाया। दावे के मुताबिक डॉक्टर्स ने दावों को किया खारिज। मालेगांव धमाकों के आरोपी श्रीकांत पुरोहित ने जमानत के लिए खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, पर कोर्ट ने नहीं मानी तुरंत सुनवाई की अपील। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसी हफ्ते साध्वी प्रज्ञा को दी है जमानत, पर पुरोहित की अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी गई थी कि उनके खिलाफ आरोप ज्यादा गंभीर है। विपक्ष की संघर्ष यात्रा का जवाब संवाद यात्रा से देगी बीजेपी, जिसमें जनता को बताएगी अपने काम। किसानों की आत्महत्या को लेकर कांग्रेस एनसीपी कर रही है संघर्ष यात्रा। औरंगाबाद शेतकारी अन्नदाता संस्था ने दायर की पीआईएल, राज्य सरकार से तुअर दाल खरीदने की मांग की। गोवा में करीब 20 मुसाफिरों को छोड़कर उड़ा स्पाइस जेट का विमान, लोगों ने पुलिस को बुलाया। पुणे में नेशनल हाईवे पर पुलिस ने होटल कर्मचारी को पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मुंबई के कुर्ला आरपीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, रेलवे पुलिस की मदद से मोबाइल और चोर गैंग चलाने वाले का सरगना धरा गया। मोबाइल चोर गैंग में काम करते हैं 10 लड़के, सीएसटी से लेकर नागपुर तक करते थे वारदात। 111 अंकों की गिरावट के साथ 29,918 पर बंद हुआ सेंसेक्स निफ्टी, 38 पॉइंट गवाकर 9,304 पर बंद। अक्षय तृतीया के दिन सोने की कीमतों में 30 रुपए प्रति तोले की गिरावट, 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 29,480 रुपए। चांदी की कीमतों में 300 रुपए प्रति किलो की गिरावट, 1 किलो चांदी की कीमत हुई 40,500 रुपए। जीएसटी से देश की विकास दर पहुंचेगी 8% के पार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक एनपीएस ने बढ़ाई मुश्किल। जीएसटी में टैक्स दरें हैरान करने वाली नहीं होंगी, जेटली ने किया दावा, मौजूदा टैक्स सिस्टम से ज्यादा अलग नहीं होगा टैक्स ढांचा। 2016-17 में 8.65% की दर से मिलेगा ईपीएफ पर ब्याज, केंद्र ने दी मंजूरी। कटप्पा के बाहुबली को मारने के राज से उठा पर्दा, दुनिया भर की 9000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई बाहुबली 2। लोगों में बाहुबली 2 को लेकर जबरदस्त क्रेज, सुबह सुबह फिल्म देखने वालों की भीड़, 3 दिन की एडवांस बुकिंग। बाहुबली 2 को देखकर मुंबई के दर्शक हुए खुश, लोगों ने शो के बाद जमकर की तारीफ। फिल्म अभिनेत्री कटरीना कैफ अब इंस्टाग्राम पर, फैंस दिखे खुश। जून में कांस फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय और सोनम कपूर के साथ इस बार नजर आएंगी दीपिका पादुकोण भी, तीनों ही कांस के रेड कार्पेट पर जलवा बिखरेंगी।